दोस्तों जंगल में घूमते हुए कई ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने को मिल सकती है, जैसे पेड़, घास, झाड़ियाँ और जानवर। लेकिन इस वीडियो में लोगों को ये सब नहीं बल्कि कुछ ऐसी अजीबोगरीब और रहस्यमयी चीजें मिली जिन्हें देखकर उनके होश उड़ गए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जंगल में मिली 5 सबसे अजीबोगरीब चीजों के बारे में जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और जानते हैं इन 5 रहस्यमयी चीजों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। द कॉल्ट फैमिली। दोस्तों परिवार सबका होता है, लेकिन ये कॉल्ट फैमिली पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। जब ऑस्ट्रेलिया के जंगल में 38 लोगों के इस परिवार को खोजा गया, इस परिवार की औरतों के सभी बच्चे उनके भाई और पिता के थे और ये परिवार 4 जनरेशन से इसी जंगल में रह रहा था। दुनिया से अलग होने की वजह से इन बच्चों में कई तरह की असमानताएं थी। ये बच्चे सही से बोल नहीं पा रहे थे और एक अजीब सी भाषा बोल रहे थे। ये भाषा उन्होंने खुद बनाई थी। जहाँ वे रहते थे वहाँ पानी और कोई भी सुविधा नहीं थी। पुलिस को इस बारे में तब पता चला जब एक लड़के ने जंगल में घूमते हुए एक लड़के की आवाज़ सुनी जो बिल्कुल अलग भाषा में बात कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला। लेकिन अभी भी ये काफी अजीब था कि कोई परिवार लोगों से इतना पास होकर भी इतना दूर कैसे था। स्विट्जरलैंड। ये घटना स्विट्जरलैंड की है जहाँ लोग बेहद रहस्यमय घटना से जूझ रहे थे जब उन्हें एक आदमी स्विट्जरलैंड के जंगलों में मिलिट्री आउटफिट और गैस मास्क के साथ घूमता हुआ दिखाई दिया। पहली बार इस आदमी को 10 साल पहले देखा गया था और ऐसा माना जाता है कि वह आदमी इसी रास्ते से रोज जाया करता था, लेकिन किसी को उसके बारे में कोई खबर नहीं थी और इस व्यक्ति को केवल यही एक फोटो अभी तक देखने को मिली है। इस फोटो से अंदाजा लगाया जाता है कि इस व्यक्ति की हाइट 6 फुट के करीब थी। हालांकि अभी तक किसी को यह नहीं पता है कि यह व्यक्ति कहाँ था और कहाँ से आया था। डेड एनिमल्स। दोस्तों अगर जंगल में कोई एक आधा जानवर मरा मिले तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होती, लेकिन वर्जीनिया के जंगल में हुई इस घटना में 250 से जानवर के शव एक साथ देखने को मिले, जिनमें कुत्ते, बिल्ली, चूहे, हिरण, लोमड़ी, रगून और कुछ पंछी भी शामिल थे। इनमें से कुछ जानवर ऐसे थे जिनमें अभी भी जान बाकी थी और समय रहते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन अब सवाल ये था कि ऐसा हुआ क्यों? तो दोस्तों वर्जीनिया की एक कंपनी पालतू जानवरों को बेचा करती थी। वह अपनी जॉब निभाने में नाकामयाब है और कंपनी बंद करके इन सभी जानवरों को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। पालतू होने के कारण इन्हें भोजन ढूंढना नहीं आता था, जिस वजह से एक एक करके ये जानवर मरते गए। फॉरेस्ट ब्रीथिंग। दोस्तों आपने ये कहते तो लोगों को सुना ही होगा कुदरत में भी जान होती है, लेकिन शायद आपने कभी कुदरत को सांस लेते देखा होगा। लेकिन कनाडा में रहने वाले इस आदमी ने कुदरत को सच में जिंदा होते हुए देखा है। इस व्यक्ति ने वीडियो से जो रिकॉर्ड किया उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो जंगल सांस ले रहा है। उसने इस वीडियो को फेसबुक पर पोस्ट किया। उसे भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली यहाँ क्या हो रहा है। इस घटना के बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का सच अभी तक कोई नहीं जान पाया है। नॉर्थ जर्मनी। नॉर्थ जर्मनी के जंगल में घूमते हुए एक कपल की नजर अचानक जंगल के 2 बीच पाइप पर पड़ी जो जमीन से बाहर झांक रहे थे। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्हें एक खुफिया बनकर दिखाई दिया जो काफी साल पुराना था। इस जगह पर उन्हें कई अजीबोगरीब चीजें मिली, लेकिन यह जगह किस लिए और क्यों और कब बनाई गई थी, यह जगह कैसे तबाह हुआ, यह एक रहस्य था। बाद में ये पता चला कि यह जर्मन कंट्रोल बनकर था जिसे वार के समय बनाया गया था और वह पाइप हवा के लिए बाहर निकाले गए थे और इस जगह यह मशीन पानी और हवा को फिल्टर करने के लिए लगाई गई थी और जंग खत्म होने के बाद इस जगह को तबाह कर दिया गया था। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और खुदा हाफिज दोस्तों।